क्या ब्रीज के सब लोग, मैं हूँ प्लस और आज मैं डीजे एडम के साथ कैसे आप लोग सोच रहे होंगे आज आया है 3-in-1 रीलॉन्च ऑफ गोल्ड रश। बहुत ही पुराने, एक सेकेंड, ये नहीं, हाँ ये बहुत पुराने 3-3 बंडल है गोल्ड रॉयल के, और 72,000 मेरे पास गोल्ड है, इसमें निकलते हैं कि नहीं, और 38 वाउचर्स भी है, देखते हैं अगर निकल जाए तो बढ़िया ही है भाई। तो आप यार गाइस स्पिनिंग को, हम स्पिनिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। भाई ये मेरे को बीच वाला बंडल देते, फिर बाकी कोई मत देना, ठीक है। एक मिनट ना, इसका थोड़ा बाल सही कर लूँ मैं, ये इसका, क्योंकि वैसे ही इसका थोपड़ा एकदम क्या ही बोले, इतना घटिया है, तो कुछ नहीं बोल सकते भाई। वापस से चलते हैं हम तो ठहरे नल्ले हैं, हमारे पास और कोई काम ही नहीं। एनीवेज चलो स्पिन करते हैं, भड़ा भड़ धड़ा धड़ करते जाओ भाई। क्या पैंट दे रहा है भाई, पैंट नहीं चाहिए भाई, बंडल चाहिए, बंडल दे। एक काम करते हैं, हाटो मामा को लेके आना पड़ेगा, ठीक है, हाटो मामा, ठीक है ना मामा, इज्जत से ठीक है मामा। ओके अभी देखते हैं हमें, भाई ये बीच वाला बंडल दे दे भाई, दे देना भाई, प्लीज़ 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 हाटो मामा, अपना लक दिखा दो प्लीज़। ओह भाई साहब, मिली क्या है गाइस हमें, फाइनली क्वार्टर बैक बंडल जो कि मुझे चाहिए था। और हैटो मामा का लक इतना तगड़ा है कि मुझे एक ही स्पिन में, मतलब हैटो मामा एक ही स्पिन में हमने, तो चलो भाई यार अब मेरे को सेकंड बंडल, ये राइट वाला बंडल चाहिए भाई, क्योंकि लेफ्ट वाला बंडल बहुत घटिया है। राइट वाला बंडल प्लीज़ दे दो हैटो मामा, प्लीज़ प्लीज़ भाई, दोस्त बन कर दिया, दे 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 भाई वाला बंडल, दे दे भाई, बहुत तगड़ा बंडल दे दे। ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन मिल गया मुझे भाई। भाई दोबारा कौन देता है बंडल यार, मतलब मत दो ना, मतलब एक बार दे दे काफ़ी है मेरे लिए यार, मतलब हद कर दिए। हाँ हाँ ऑटो मामा, लक आपका अच्छा है, पर दूसरा भी तो बंडल दिला दो, नहीं तो मतलब। तो भाई स्पिनिंग के बाद अब हम आ चुके हैं ओनली किंग फिशर चैलेंज करने के लिए। तो आपको पता ही होगी किंग फिशर गन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है, तो कुछ ऐसी दिखती है वाली गन, ये न्यू न्यू आई है, मतलब हाँ थोड़ी पुरानी हो गई है, पर हाँ इसका रेट ऑफ फायर एकदम तगड़ा है। तो मैं सोचा क्यों ना अपना ये किंग फिशर चैलेंज किया जाए, और एक मिस्ट्री शॉप तो आया ही आया ट्रैप रीलॉन्च वाला, और एक मिस्ट्री शॉप आ गया भाई, वाह भाई वाह। सो कमेंट करके बताओ भाई मुझे, तुम लोग से कुछ पूछना है, मैं वागर पेट लूँ या द सेल वाला इमोट लूँ, तुम लोग बोलो, जो बोलोगे तुम लोग मैं वो खरीद लूँगा इसमें से। ओके सो अभी थोड़ा सा देखिए, वेट कैंसिल करो। तो यस, तो आज हम लोग इसी का चैलेंज करने वाले हैं। तो भाई अभी सही, मतलब तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी से, क्योंकि वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो अभी ये जो लॉबी वाला पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को मैं काट देता हूँ, नहीं तो आप लोग पूरी तरीके से पक जाओगे यहीं पे। सो गाइस लॉबी के बाद हम लोग आ चुके हैं हमारी गेम में। सो अभी देखते हैं मैप से कहाँ हम जा सकते हैं। पीक चलते हैं, पीक या मतलब मैं कंफ्यूज, ओके मिल चलते हैं, कंफर्म डन भाई, क्योंकि पीक में बंदेंगे सवाल ही नहीं पाऊंगा। और भाई मेरा लक तो इतना भाई क्या ही बोले, मिलती ही नहीं है जिस गन का चैलेंज करते हैं। बस उस टाइम MP40 जब चैलेंज किया होगा, तुम लोग को याद होगा, नहीं याद भाई, मतलब नहीं देखी तुम लोगों ने ओनली MP40 चैलेंज वीडियो, देखो जाके यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से जाके उस वीडियो, इतनी खुशी मुझे भाई, इस बार भी वही चमत्कार दमत्कार हो गया हमें। इस बार भी लास्ट MP40 चैलेंज में जैसे हमें फर्स्ट गन ही MP40 मिल गई थी, तो फिर इस बार हमको भाई उतरते से ही फर्स्ट गन हमारी किंग फिशर मिल चुके है, जिसका आज हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो भाई लक ही लक है आज, तो देखते हैं भूया निकल जाए तो भाई वीडियो पे 4 चांद लग जाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा लूट वूट करते हैं, क्या मामला है लूट वूट का। तो और आपको अगर मेरा लक ही अच्छा लगा हो तो
अभी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि आगे वीडियो देख के तुमको मज़ा आने ही वाला है। तो क्यों ना अभी से ही लाइक कर दो, तभी तुम लोग को मैं थोड़ा सा मतलब आगे ले चलता हूँ, थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि तुम लोग को बोर ना मारे, ठीक है। सो गाइस अभी हम मिल से निकल चुके हैं पीक की तरफ बंदों की तलाश में, ठीक है। बंदों को हम मैंने गलती से अपने माइकी को चाट दिया, गलती से सॉरी। हम बंदों को तलाशेंगे फिर उनकी खोपड़ियाँ चटकाएंगे, का खोपड़ियाँ चटकाएंगे, ओके। तो अभी ढूंढते हैं पीक में हमें कोई बंदा मिलता है कि नहीं, पहले तो ये वाले घर में आ जाते हैं, हम देखते हैं ऊपर बंदा कुछ लूट वूट मिल जाए या फिर बंदा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कि कुछ किल के साथ वीडियोस अगर होंगी भाई, मिनिमम 3-4 किल भी हो जाए ना तो वीडियो एकदम मस्त बन जाएगी भाई। देखते हैं अभी हमें मिलती है क्या, मतलब बंदे मिलते हैं क्या हमें। स्पास मिल रही है भाई, ARMO, ओके ओपी उठा लो। ARMO को हमने उठा लिया है गाइस। तो अभी पीक के दूसरी दूसरी जगह पे जा के देखते हैं कि पूरे पीक में कहीं पे भी बंदा है क्या, पूरे पीक में कहीं भी हमें बंदा मिलता है क्या। ओके तो भाई यहाँ पे पैन ले लेते हैं, थोड़ा सा पिच्छू बचा लेंगे हम गोलियाँ गोलियों से पीछे बचा लेंगे अपना। तो अभी देखते हैं बंदे को ढूंढते हैं हम, बंदा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। भाई क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बार बार बंदा मिल जाए, बार बार बंदा मिल जाए मैं बोल रहा हूँ भाई। तो गरीना वालों एक तो बंदा दे दो भाई गेम में। ओके अंदर चल के देखते हैं, ऊजी नहीं उठा सकते भाई, किंग फिशर दो यार एक और एक, क्योंकि ओनली किंग फिशर चैलेंज कर रहे हैं हम। ओ गाइस गाइस क्या आपको भी एक बंदा दिखा, मुझे भी एक बंदा दिखा, आउट ऑफ कवर भाई बहुत बहुत। ओ भाई कसम से एक गोली का बंदा है वो, एक गोली का है वो बंदा कसम से, एक गोली भी उसको और पड़ जाएगी ना कहती वो मर जाएगा, ठीक है। अभी भाई बस वो बंदा मर जाए भाई, एक बार बंदा मर जाए खा पे। क्योंकि देखो घर के अंदर तो आ ही चुका है, मुझे इतना तो दिख रहा है, मैं नेट से किल नहीं कर सकता। ओ भाई साहब ये हमारा पहला किल गेम का किंग फिशर गन के साथ। इसको लूटते हैं देखते हैं हमें, ओके ग्लूअल्स मिली है कुछ, तो हम भी हिल डुल के लूटेंगे ताकि हमें कोई बंदे ना मार पाए। तो अभी वही अटैचमेंट देखते हैं, ARMO पूरी उठा लेंगे भाई, ARMO की कोई कमी नहीं करनी अपने को। ओके सो अभी थोड़ा सा और पीक वीक में देखते हैं और कहीं पे बंदे हैं क्या, नहीं तो आगे चलेंगे पोचिनो की तरफ। अभी तो पहले ये वाला हाउस लूट करते गाइस, लूटना बहुत ज़रूरी है तभी हम बंदों को मार सकते हैं, नहीं तो हम नहीं मार सकते बंदों को, ठीक है। लूटना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके तो ड्रॉप पे चलते देखते हैं, ड्रॉप पे कोई बंदा आया है क्या और ड्रॉप के अंदर कौन सी गन मिलती है। वैसे तो किंग फिशर नहीं मिलने वाली भाई, वो ऐसी कहीं पे मिल जाते हैं, ड्रॉप में तो कभी नहीं मिल सकती है वो गन, पर फिर भी देखते हैं। ओके M249 है भाई, फेंक दो M249 इज्जत से। और आइस गन है मेरे पास, तो आइस गन तो मैं यूज़ नहीं कर सकता ना एज़ पर द चैलेंज, तो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं ओ भाई एक दिमाग है ना, ड्रॉप करेंगे तो कोई ना कोई आके लूटेगा, तो इसको वेस्ट ही कर देता हूँ ना मैं, कोई लूट ही नहीं पाएगा, अब ड्रॉप कर दो। ये भी सही है भाई। ओके तो अभी हम बढ़ते हैं पोचिनॉक की तरफ, देखते हैं पोचिनॉक में हमें बंदे मिलते हैं क्या। भाई एक और एक बंदा मिल जाए तो मतलब मार के थोड़े से मज़े आ जाएंगे, वीडियो अच्छी बन जाएगी हमारी। तो ऊपर से ही अभी हाइट का एडवांटेज लेते हुए देखते हैं बंदे हैं क्या वहाँ पे। ओ ग्लूअल तो लगी है, ग्लूअल लगी है, यही से दिख रही है, ग्लूअल लगी है, मतलब वहाँ पे फाइट हो रही है, मतलब वहाँ पे बंदे होंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, एनालिसिस निकालते हैं बंदे कहाँ पे है, उसके बाद ही जाएंगे भाई, तुम्हारा भाई थोड़ा समझदार है, ठीक है। और इसी समझदारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
ओके बंदा मतलब बंदे की लोकेशन हमें मिल चुकी है गाइस। ओके 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 चलते हैं अभी। सॉरी अरे यार ये कॉल आ गया गाइस। सॉरी सॉरी इस पार्ट को मैं काट दूंगा, मुझे कॉल आ गया था तो इस पार्ट को तो मैं एडिटिंग के वक्त काट ही दूंगा। सो मेरे को लग रहा है मल्टी विंडो, ये नहीं सामने वाले मल्टी विंडो में फ़ाइट हो रही है, तो फाइट पहले हम होन देंगे फिर हम थर्ड पार्टी करेंगे गाइस, क्योंकि यही हमारा धंधा है। गंदा नहीं भाई, दूसरे कार्टून का डायलॉग नहीं बोलेंगे, कॉपीराइट आ जाता है। अच्छा ग्लूल तो उठा लेते हैं चलो, तो लूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गाइस सामने बंदा है इसकी हेल्थ बहुत ही डाउन होगी गाइस, और ये खड़ा होके लूट रहा था ना, मतलब इतना महान। तो अभी यहीं पे पहले बाहर की लूट क्रेट को लूटते हैं हम फटाफट से। एसपीडी में ड्रॉप कर दूंगा, नो चिंता की बात, लो ड्रॉप कर दे तुम्हारे लिए। अटैचमेंट्स कौन ड्रॉप करेगा भाई, अटैचमेंट्स अपन ड्रॉप नहीं करने वाला है। तो अभी चलते हैं अंदर पे और देखते हैं बंदे के पास क्या लूट है। पहले देख लूँ लैंडमाइन तो नहीं लगाया तो मेरी पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी। ओके 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 इसके पास किंग फिशर तो नहीं है, मज़ल है। ओके ग्लूअल एक सेकंड भाई, इसके पास 51 टोकन्स है, लाइक लिटरली गाइस 51 टोकन्स मेरे पास अभी टोटल है तो लोग देखना कितने टोकन हुए मेरे पास। ये देखो टोटल 59 टोकन्स है, तुम लोग जैसे देख सकते हो। देखो अभी तो ग्लूअल उठाते हैं अपन फटाफट से, सबसे पहले ग्लूअल उठानी है सारी के सारी, और ग्रेनेड्स भी उठा लेते हैं। अरे यार ये सीटी का है, उठा ली मैंने, इसको ड्रॉप करते हैं गाइस। और अभी मैं आपको अपने टोकन दिखाता हूँ, ये देखो 59 टोकन्स है। तो अभी देखते हैं ग्लूअल तो, अरे फोटो चाहिए ग्लूअल ऑटो स्टॉक है तो फिर अपन ये खरीद लेते हैं, क्या बोलते हैं रिपेयर किट हमने ले ली है। अभी इसको ही थोड़ा सा और लूटते हैं फिर आगे वाले बंदे के पास हम चलते हैं गाइस। तो आपको थोड़ा सा आगे में ले जाता हूँ ताकि आपको बोर ना मारे। बाय द वे अलाइव की तरफ एक नज़र मारो, ओनली 4 अलाइव है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम कितने बंदों को मार पाते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं ताकि आप बोर ना होए, और ये एंड ही जोन है और अभी 3 बंदे ही अलाइव है गाइस। मैं वही बोल रहा हूँ सेम ही गेम है, ओके आप शक मत करना। तो अभी देखते हैं, ओ गाइस सबको झाड़ी दिखी, वो एक बंदा है वो कुंग में जा रहा है। ओह भाई 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 वो कुंग तोड़ दे, एक गोली तो नहीं मतलब एक गोली से ज़्यादा का है वो, पर फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज है वो। पर हम रश नहीं करेंगे गाइस क्योंकि बंदा एक बंदा तो मेरे सामने है, पर जो दूसरा बंदा है उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता। वो आजू बाजू से भी मुझे मार सकता है, पीछे से भी मार सकता है, उसकी लोकेशन मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। तो मैं क्यों बेफालतू का रश करूं और मरूं ताकि वीडियो घटिया हो जाए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम ही लोग सोच के बताओ ना मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो अभी वो हील कर रहा है, वो छुप के बैठा है, पर जोन तो श्रिंक हो रहा है ना, उसे आना ही पड़ेगा। चलो 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 देखते हैं और दूसरे बंदे के लिए कहाँ पे है अगला बंदा। भाई तो जोन भी छोटा हो चुका है, अब तो इसको आगे आना ही पड़ेगा। ओ ओ ओ पीछे बंदा है गाइस, पीछे बंदा, देखा देखा मैं बोला ना लोकेशन नहीं पता तो नहीं करना चाहिए हमें इचक वचक। और उस टाइम मैंने पैन ले लिया था पीक में, आपको याद ही होगा पीछे बचाने के लिए, तो अभी काम में ही आ गया वो पैन हमारे, तो अच्छा मैंने वो पैन ले लिया। तभी सामने भी बंदा पीछे भी बंदा हमारा बन चुका है एक अच्छा सा सैंडविच। अगर आपको ये सैंडविच खाना है तो सब्सक्राइब, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो देखते हैं अब इस बंदे को मारने का ट्राई करते हैं, नहीं नहीं सामने वाला बंदा मार देगा अगर हम खड़े होंगे तो। और भाई भाई उप सुप 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 भाई मेरे पास फटना मरना नहीं। ओके 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 जिंदा हो भाई, मेरे को लगा मेरे पास फट गया, खुद ही मर गया, खुद ही से वीडियो बर्बाद कर ली। ये सामने वाला गणा चौड़ा हो रहा भाई, इसको मैं और भाई 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 आराम से जब वुकोंग बन के मारेंगे गाइस, ग्लूअल का पूरा हम उपयोग करेंगे। अरे 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 भाई ओ भाई ये जस्ट मेरे को मार ही देता था, मारा मारा बोरा ओहो
ओपी गाइस, एकदम ओपी से बुआ हो चुका है। और यहाँ हम लोग का कंप्लीट होता है ओनली किंग फिशर चैलेंज। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में बताओ, और मैं वागर लूँ कि इमोट लूँ, तुम लोग ये भी कमेंट में बताओ। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।